बनाने जा रहे हैं कचुंबर। इसके लिए हमें चाहिए हरी मूंग और चने, काले चने, जिसे मैंने रात में भिगो कर रख लिया था अच्छे से धोकर। इसे मैंने रात में ही भिगो लिया था। आप देख सकते हैं कि हमारी मूंग कितनी अच्छे से स्प्राउट हो चुकी है, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे वापस से एक बार धो लेते हैं। ये पानी को हम निकाल देंगे, पर ये पानी को हम अलग से बर्तन में निकालेंगे और फेंकेंगे नहीं, इसे हम यूज़ करेंगे हमारे टेरेस गार्डन में। हाँ, इतने से पानी को आप एक बकेट पानी में डाइल्यूट कर अपने पेड़ों को डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने नीचे एक बड़ा सा बर्तन लिया है, उसमें मैंने एक कॉटन का कपड़ा डालकर सारी मूंग और चने उसमें डाल दिया है। अब मैं इसे बांधूंगी एक टाइट पोटली में। ये देखिए, सारा पानी निकल चुका है। हमारा पानी कितना क्लीन है देखिए फ्रेंड्स। हमें इसे अच्छे से धोना चाहिए तो हमारी मूंग में स्मेल भी नहीं आएगी और पानी भी एकदम साफ रहेगा। तो अब मैं इसे एकदम टाइट पोटली में बांध रही हूँ। देखिए, कुछ इस तरह से इसे दबा दबा कर टाइट से बांधिए ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब हम इसे रख देंगे वही बड़े कटोरे में, या कोई भी आप बड़ा बर्तन ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसे ढक देंगे 2-3 घंटे के लिए। कोई भी प्लेट, थाली, कटोरा, किसी भी चीज़ से आप इसे ढक कर रख दीजिए फ्रेंड्स। मैं इसे अपने किचन में ही रख रही हूँ। अब हम देखेंगे इसका क्या हाल है शाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है। मैंने अपने स्प्राउट्स निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे स्प्राउट्स कितने अच्छे से निकल कर बड़े हो गए हैं, ये देखिए। देखिए, हमारे हरी मूंग और चने के भी स्प्राउट्स निकल चुके हैं। तो अब हम बनाएंगे कचुंबर। उसके लिए हमें चाहिए टमाटर, बारीक कटे हुए टमाटर, ये है प्याज बारीक कटी हुई, गाजर और खीरा, और ये है बीट रूट जिसे मैंने बारीक घिस लिया है। हमारे घर में बड़े और छोटे दोनों ही बीट रूट को पसंद नहीं करते हैं, पर हमारा काम है इन्हें किसी भी तरह से खिलाना, तो इसे मैंने बारीक घिस लिया है। और ये है कैरी, समर सीज़न है और कैरी को हम कैसे भूल सकते हैं, तो कैरी को भी मैंने घिस लिया है। अगर आपके पास कैरी नहीं हो तो आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है चाट मसाला एंड ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल जो खाने में यूज़ होता है। और ये है काले मिर्च पाउडर। और ये है मसाले, हमें इस मसालों में से ये सब की ज़रूरत नहीं है, बस हम यूज़ करेंगे लाल मिर्च पाउडर और नमक, दैट्स इट। तो मैंने यहाँ लिया एक बड़ा सा बाउल। अब हम इसमें डालेंगे हमारे स्प्राउट्स और अब ऐड करेंगे हमारे सारे कटे हुए वेजिटेबल्स। ये है टमाटर और ये सारे वेजिटेबल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे वेजिटेबल्स ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, आप कुछ भी सैलड बना रहे तो कोशिश कीजिए कि आप काली मिर्च का ही यूज़ करें। और ये है लाल मिर्च पाउडर, मैं बिल्कुल 1/2 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। अब हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, बट आई सजेस्ट कि आप नमक थोड़ा टेस्ट के हिसाब से कम ही ले, बिकॉज़ अगर हल्का सा भी इसमें नमक ज़्यादा हो जाएगा तो वो सैलड पूरा ख़राब हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चाट मसाला 1 चम्मच, और ये है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल को भी मैं बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल।
एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे हनी, हमारे सारे खट्टे तेज़ टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच हनी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, हमारे सारे टेस्ट को ये बैलेंस करेगा। और अब हम इसे मिलाएंगे अच्छे से, बस हमें सारे वेजिटेबल्स एंड स्प्राउट्स को मिक्स करना है। इसे दबा दबा कर मत मिलाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिला लिया है, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा पिंकिश आया है बिकॉज ऑफ बीट रूट। ये देखिए हमारा कचुंबर बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे अलग तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे सर्व किया है नारियल की कटोरी में। मैंने इसमें से नारियल निकाल लिया है केयरफुली, ध्यान से मैंने इसमें से नारियल निकाल लिया और कटोरी को मैंने यूज़ किया है एज अ सर्विंग बाउल। देखिए देखिए मैं फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है, आप भी अपने घर में बनाइए। समर टाइम है फ्रेंड्स, ये बहुत हेल्दी न्यूट्रिशियस और बहुत गुड फॉर हेल्थ है, आपको तो पता ही है, मैं बताने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ अपने घर में आप भी बनाइए और खाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मेरा घर ओंदा।